इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी पर स्थित शनि मंदिर पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए पुणे के डॉक्टर सागर कोलते द्वारा यहां मंदिर परिसर में टीन शेड का निर्माण करवाया गया, जिसकी छांव से होते हुए श्रद्धालु भगवान शनिदेव के दर्शन करेंगे। यहां उनके अब न पांव चलेंगे और न ही उन्हें धूप लगेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत विनित गिरी द्वारा उक्त टीन शीट का लोकार्पण शनिवार को किया गया। उज्जैन के प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी के अनुसार करीब 8 लाख की लागत से बने इस टीन शेड का निर्माण 3 महीने में हुआ है। पुणे के डॉक्टर सागर कोलते, उनकी धर्मपत्नी साधना कोलते, पूजा कोलते, पुत्र सारथ्य कोलते तथा पुत्री साध्या कोलते द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर, शनि मंदिर सहित उज्जैन शहर के मंदिरों में वर्षों से दान पुण्य भेंट देते आए हैं। इसी कड़ी में परिवार की मंशा अनुसार शनि मंदिर में टीन शेड का निर्माण करवाया गया। डॉक्टर सागर कोलते ने कहा कि प्रतिवर्ष किए जाने वाले सेवा कार्यों में इस वर्ष टीन शेड का लोकार्पण भक्तों की सेवा के लिए किया गया है। हर साल शनिश्चरी अमावस व अन्य उत्सव पर श्रद्धालु स्नान के बाद दर्शन हेतु आते हैं। उन्हें धूप से बचाकर छांव हेतु 4,000 स्क्वायर फीट का टीन शेड बनाया गया है। इस अवसर पर भाजपा सह मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव, राजेंद्र झालानी, पंडित कृष्णकांत जोशी, कैलाश पांचाल, जितेंद्र शेरे, परेश कुलकर्णी, विजय चौधरी, राजकुमार बंसीवाल, पप्पू चौधरी आदि उपस्थित थे। प्रणाम समस्त उज्जैनवासियों, मैं डॉक्टर सागर कोलते। हर साल की तरह हम इस बार भी उज्जैन की धरती पे त्रिवेणी धाम में हमने शनि महाराज और नवग्रह के मंदिर में जो अभी टीन शेड का लोकार्पण किया है वो भक्तों की सेवा के लिए है। हर साल उज्जैन में जो शनि अमावस होती है या वहां पे उत्सव होते हैं, वहां पे श्रद्धालु स्नान करने के बाद शनि भगवान जी के दर्शन करने के तथा नवग्रह के दर्शन करने के लिए वहां पे आते हैं। उनके लिए वहां पे हमने बहुत धूप में उनको छांव मिले, इसलिए हमने एक टीन शेड का 4,000 स्क्वायर फीट का बनाया है और वो उनके लिए सेवारोपण में रखा है। जो माननीय श्री उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, इनके हस्ते 17 अक्टूबर 2020 के दिन सुबह आज लोकार्पित हुआ है। पिछले बहुत सालों से हम जो योगदान करते आए हैं उज्जैन के श्री महाकाल जी और श्री शनि भगवान जी और समस्त देवता है, उनकी कृपा से जो हम योगदान कर रहे हैं, इस बार हमारे से ये योगदान वहां पे हुआ है। वैसे ही श्री महाकाल जी की कृपा से और श्री भगवान की कृपा से अभी हमने नई कंपनी चालू की है, सारादन हेल्थ केयर और साबिसन हेल्थ केयर। उस तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना, साराध्य, साधना, पूजा, साध्या कोलते और मेरे परम मित्र श्री विराज कांतिलाल परमार और मेरे परम मित्र श्री प्रसाद यशुन विमले, हम सबके इकट्ठा योगदान से ये हमने लोगों के लिए समर्पित किया है और इसका सेवा का लाभ आप सब उठाए। नमस्कार। कैनन न्यूज के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।